हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो भाई अब तक टाटा सफारी के कुछ खास कलर ऑप्शन आते नहीं थे, रॉयल ब्लू, डेटोना ग्रे, ऑर्कस व्हाइट, तो ये सारे कलर्स आते थे जो कि सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगते थे। तो भाई अब टाटा सफारी ने गोल्ड एडिशन लॉन्च कर दिया जो कि दो कलर ऑप्शन में आएगी, व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, मारी गोल्ड। तो भाई टाटा सफारी का जो एडवेंचर ट्रिम है वो सबसे महंगा वेरियंट है और इसको उससे भी महंगा रखा गया है। तो इस गोल्ड एडिशन की प्राइस रखी गई है 21,89,000 रुपीस मैनुअल की और 23,18,000 रुपीस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। मतलब जो इसका ZX प्लस एडवेंचर ट्रिम आता है उसकी कॉस्ट होती है 20,50,000 रुपए और जो इसका ZX A प्लस एडवेंचर ट्रिम आता है उसकी कॉस्ट होती है 22,00,000। तो मतलब मोटा मोटा बताऊं तो ये उससे 1,30,000 के अप्रोक्सीमेटली महंगा है। तो भाई इसको IPL 2021 में UAE में शोकेस किया जाएगा और जो इससे पिछला सीजन था उसमें टाटा अल्ट्रॉस को रखा गया था। तो भाई तरक्की देख रहे हो, मतलब अल्ट्रॉस के बाद नेक्सॉन रख सकते थे, हैरियर रख सकते थे, अभी वो पंचाई वो रख सकते थे, लेकिन एक साल में अल्ट्रॉस के बाद सीधा सफारी। इतनी बड़ी तरक्की, थैंक यू सर। तो भाई 2021 IPL का जो पार्टनर है इस बार टाटा सफारी है क्योंकि UAE में होंगे। तो भाई टाटा के दिमाग में चल रहा होगा एक गोल्ड प्लेटिंग लगा देते ताकि वहाँ के शेक वगैरह खरीद लें इसको। ये आइडिया अच्छा रहने का। तो भाई जो इसका फ्रॉस्ट व्हाइट कलर है उसमें ब्लैक कलर का कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, ब्लैक कलर का डुअल टोन रूफ मिलेगा उसमें, इंटीरियर में इसके सॉर्ट ऑफ मॉन्ट ब्लैक कलर के मार्बल फिनिश दे रखी है गोल्डन एक्सेंट के साथ, और जो इसका ब्लैक अवतार है उसमें कॉफी बीन इंस्पायर्ड ब्लैक एक्सटीरियर दे रखा है, इंटीरियर में इसको ब्लैक मार्बल फिनिश दे रखा है डैशबोर्ड पे गोल्डन फ्लॉरिश के साथ, इंटीरियर में कंफर्ट को बढ़ाने के लिए इसमें ऑस्टर व्हाइट डायमंड जेनुइन लेदर सीट्स दे रखी है। तो भाई टाटा हैरियर का जो डार्क एडिशन है वो सिर्फ काला पेंट करके 80,000 रुपए महंगा है नॉर्मल हैरियर से, लेकिन इस बार 1,30,000 रुपए महंगा करना है तो सिर्फ वो पेंट से काम तो चलेगा नहीं, तो क्या करें बताना बोल। तो भाई टाटा ने इसमें कुछ ऐसे फीचर्स डाले जो कि आज तक उसने कभी ऐड नहीं करे। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, एयर प्यूरिफायर मिलेगा। तो भाई जिस चीज की वजह से लोग टाटा सफारी को इग्नोर करते रहे वो सारे फीचर्स इस बार ऐड किए हैं, लेकिन अब अपने बुरे दिन हवा हो गए। बाकी फीचर्स में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। 8.8 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपको ESP और 14 फंक्शनैलिटी के साथ, बोस मोड के साथ आएगा। इंजन मैकेनिक्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम 2 लीटर 4 सिलेंडर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन आएगा जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 170 HP की 3750 RPM पे और 350 Nm का टॉर्क, और ये 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। तो भाई वीडियो को रैप करने से पहले बोलना चाहूंगा, भाई लोग ऑफेंड हो जाते हैं मेरी कुछ बात से, तो भाई टाटा मेरा भी फेवरेट ब्रांड है, ये बस एक मजाक की तरह होता है, तो प्लीज ऑफेंड मत होए करो। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।